नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला। मोदी जी ने तो सांसें ही रोक दी थीं। 27 मार्च को जब उन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी कि देश को संबोधित करेंगे, तो सब कुछ मानो ठहर सा गया। पता नहीं क्या बोलेंगे। कोई बोला दाऊद या मसूद अजहर को पकड़ कर लाए हैं शायद, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान पर हमला बोलने जा रहे हैं, तो कुछ ने तो मजाक में ये भी कह डाला कि शायद मोदी जी कहने वाले हैं भाइयों बहनों अब देश में चुनाव ही नहीं होंगे। अब वजह है भी ऐसी क्योंकि हमारे पीएम इसी तरह के हैं। 2016 में ऐसे ही एकाएक टीवी पर आए और 1500 के सारे नोट कूड़ा कर दिए। बहरहाल, उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि के बारे में जब बताया तो सब ने राहत की सांस ली, विपक्षी दलों ने भी, क्योंकि उनकी जान भी सांसद में आ गई थी कि पता नहीं कौन सा दांव चलने वाले हैं मोदी जी, कुछ ऐसा ना हो जाए कि सब गठबंधन रखे के रखे रह जाएं। शायद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे ज्यादा टकटकी लगाए सुन रहे थे मोदी जी को। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया ट्विटर पर आई, उन्होंने DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी और मोदी जी को विश्व रंगमंच दिवस की बधाई भी लगे हाथ उसी ट्वीट में दे डाली। मतलब देश को पीएम का लाइव संबोधन उन्हें नाटक जैसा लगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर स्वराज पार्टी वाले योगेंद्र यादव तक ने DRDO की उपलब्धि पर पीएम के संबोधन पर खुला ऐतराज जताया। ऐतराज बनता भी था क्योंकि दौर चुनाव का है। पीएम ने जो कुछ भी बोला उसका अंदाज यही था कि उनके नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, लिहाजा अब मान ही लेना चाहिए कि देश सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में सुरक्षित है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग को भी मानना पड़ा कि ऐतराज गंभीर हैं और जायज हैं, लिहाजा उसने पीएम मोदी के देश को संबोधन के औचित्य पर जांच बैठा दी है। सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी? योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में इंडिया टुडे की एक पुरानी रिपोर्ट का लिंक देकर याद दिलवाया है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता तो भारत ने मई 2007 में ही हासिल कर ली थी। जी हाँ, और अगर वैज्ञानिक उपलब्धि का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी होता है तो बेशक यह नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी जिसके मुखिया मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट अपने ट्वीट में नथी की है और याद दिलवाया कि उन्हीं मनमोहन सिंह के समय में साल 2012 में इस ताकत के परीक्षण की तैयारी शुरू करने के लिए DRDO को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। सैटेलाइट भी हमने किसी दूसरे देश का तो गिराया नहीं है। जिसे अंतरिक्ष में टुकड़े टुकड़े किया गया है वो भारत का ही लाइव सैटेलाइट था। मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि देश को बीच चुनाव में ही इस जबरदस्त उपलब्धि के गौरव का एहसास करवाया जाए। मिसाइल दागना तो अपने हाथ में था, बाद में भी परीक्षण किया जा सकता था। भाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक के पीछे तो चलिए वजह थी, पुलवामा की शहादत का बदला लेना था, मगर एसेट मिसाइल दागने का क्या मतलब है? अच्छा, चलिए एक बार को यह भी मान लेते हैं कि यह कोई समयबद्ध परीक्षण था। तब भी प्रधानमंत्री चुनाव के मद्देनजर खुद सामने आने से बच सकते थे। कितना बेहतर होता अगर DRDO के मुखिया अपने सहयोगियों के साथ मीडिया के जरिए देश से मुखातिब होते। ऐसा ही होता रहा है हमेशा से, और क्रेडिट की जहां तक बात है तो वो तो वैसे भी मोदी जी को जाता। अब आप ही बताइए, पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं गया? यहां तक कि उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं है कि अपने कामों का क्रेडिट वो खुद ले लें। तो अब देखते हैं कि चुनाव आयोग
मोदी जी के संबोधन पर क्या रुख अख्तियार करता है। वैसे मामला प्रधानमंत्री का है और ऐसे में आयोग क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। अब मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं। डीआरडीओ ने तो निशाना बिल्कुल सही लगाया और भारत की शान में 4 चांद लगा दिए। हम दुनिया की 4थी ताकत बन गए जो अंतरिक्ष में भी युद्ध को अंजाम दे सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिहाज से भी निशाना सही जगह लगा है? जैसा आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं, क्या डीआरडीओ की उपलब्धि का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास हुआ है? और यदि हां तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं? तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मोदी मीटर देखने के लिए हमारा चैनल राजसत्ता एक्सप्रेस भी सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।